Italy today tabled the economic survey for the current financial year in Parliament. The survey presents an optimistic picture of Indian economy, stating that amidst the global landscape of a gloomy landscape of unusual volatility in the international economic environment, India stands as a haven of stability and an outpost of opportunity. It says India's long-run potential for economic growth is as strong as 8 to 10%. The survey further states that the country's performance reflects the implementation of a number of meaningful reforms. It underlines that India's economic growth is amongst the highest in the world, with a projection of 7 to 7.75% for the next financial year. This is being helped by a reorientation of government spending towards needed public infrastructure. Describing these achievements as remarkable, the survey emphasizes that the task is now to sustain them in an even more difficult global environment. And for more inputs on the economic survey, our correspondent Shailendra Mishra, who has been tracking the story since morning, joins us. Shailendra, yes. Now, in terms of putting the economic survey in larger perspective as to how India's growth and economic forward movement is on the right and upswing trajectory. Put that in perspective, how the government is defining it. देखिए ऐसा कल सबसे अहम बात यह है कि अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण को गौर से पढ़ें तो दो तीन बातें बहुत स्पष्ट तौर पर इसमें कही गई हैं. पहली है कि भारत विश्व स्तर पर देखें तो लगातार तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है, और जो जहां तक अगले साल के ग्रोथ रेट का सवाल है वो 7% से 7.5% के बीच रहने की उम्मीद जताई गई है. दूसरी जो अहम बात यह है, ये कहा गया है कि जो सेवन पे कमीशन के वजह से जो लोगों की इनकम बढ़ने वाली है, और अगर आगे आने वाले समय में मानसून सामान रहता है तो उसकी वजह से जो कंजम्पशन बढ़ने वाली है उसका फर्क, उसका ज्यादा असर जो है महंगाई पर नहीं पड़ेगा, और वो एक तरह से देखे जो एक लेवल है उसके अंदर ही रहेगी. तो ये एक बहुत बड़ी राहत वाली खबर है कि जो है उसका असर महंगाई पर उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा कि वो एक स्तर से बाहर जाए और चिंता की बात बने. और तीसरी जो अहम बात कही गई है कि जो बहुत कई कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, चाहे वो मेक इन इंडिया की बात हो, एफडीआई रिजीम को सरल करने की बात हो, या फिर जनधन में अकाउंट खोलने की बात हो, या सब्सिडी रेशनलाइजेशन की बात हो, उसका असर दिखाई दे रहा है. लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ बातें कही गई हैं कि उस पर नजर रखनी होगी. एक अहम बातें कही गई है कि एशिया में आप देखें, एशिया के कई देशों में करेंसी रीएडजस्टमेंट हुआ है, तो उसके लिए भारत को तैयार होना होगा, रहना होगा. और दूसरी तरफ ऐसे समय में जब ग्लोबल इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं है, हमें अपना जो घरेलू जो खपत है, जो घरेलू डिमांड है, उसको बढ़ाने के लिए कदम उठाने रहने होंगे. तो निश्चित तौर पर बहुत अहम बातें कही गई हैं इस इकोनॉमिक सर्वे में. लेकिन बड़ी बात यह है कि यह कहा गया है कि आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में इस बात की क्षमता है कि वो 8% से ऊपर विकास दर हासिल कर सकती है. The survey, in fact, Shailendra, also talks about how reforms have actually contributed in a big way. If you talk about the corporate sector, infrastructure, or perhaps developments in the industrial segment, how reforms have actually transformed the growth trajectory in these three areas: infrastructure, corporate, as well as industrial growth. बिल्कुल, जो एफडीआई रिजीम आसान बनाया गया उसका जो असर पड़ा है उसका जिक्र किया गया, और साथ ही साथ पावर सेक्टर में जो कदम उठाए गए हैं उसके जो है सकारात्मक असर की बात कही गई है. जहां तक हम जानते हैं कॉरपोरेट सेक्टर का सवाल है, इस सर्वे में साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक के जो एनपीएज हैं जो बढ़ रहे हैं वो एक चिंता का विषय है, और इस बात की वकालत की गई है कि जो प्राइवेट सेक्टर को जो टैक्स इंसेंटिव दिए जाते रहे हैं पूर्व के वर्षों में उसे फेज आउट करने की एक तरह से वकालत है. और एक ट्विन जो है बैलेंस शीट चैलेंजेस की बात की गई है, जिसमें बढ़ते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एनपीए और कुछ जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं उनका उनकी जो खराब हालत है उसका जिक्र किया गया, और इस बात की वकालत की गई है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा, स्पेशली एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में, ह्यूमन कैपिटल में, जिससे कि जो आगे आने वाले जो समय है उसमें नए अवसर पैदा हो सके और जॉब पैदा हो सके. All right, we'll leave it there. Thank you very much, Shailendra Mishra, for putting in perspective the economic survey.
for us, which was presented by Finance Minister in Lok Sabha this morning.